नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ और मैं हूं हिमांशु तिवारी। नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दी पीएम मोदी को बधाई। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों की सरकार से बातचीत, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का प्लेन टिकट हुआ रद्द। शिवसेना का बड़ा बयान, कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बनाया जाए अगला राष्ट्रपति। जेल में बनेंगे आधार कार्ड, मिलने वालों के लिए भी जरूरी। और अंतिम और निर्णायक टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ट्रंप ने सोमवार रात को फोन कर पीएम मोदी से बात कर उन्हें बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी सीन स्पाइसर ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। गौरतलब है कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में से पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई। इन 4 राज्यों में भाजपा की सबसे बड़ी जीत यूपी में हुई, जहां उसने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और भाजपा ने सरकार बनाई। वहीं गोवा और मणिपुर में छोटे दलों के सहयोग से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद अवैध बोझड़ खानों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बोझड़ खानों के कार्रवाई के विरोध के चलते राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में मीट कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। नई सरकार के आने के बाद से यूपी में 44 वैध खानों में से तय नियमों का पालन न करने पर 26 बोझड़ खानों अस्थायी तौर पर बंद हो गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। राज्य के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा है कि जिन 26 बोझड़ खानों पर ताला लगाया गया है वो स्थायी तौर पर बंद नहीं हुए हैं, नियमों का पालन करने पर उन्हें दोबारा से खोला जा सकेगा। मीट कारोबारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से इस मामले का से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ और एयर इंडिया के बीच अब भी ठना हुआ है। गायकवाड़ के टिकट की बुकिंग को एयर इंडिया ने रद्द कर दिया है। गायकवाड़ ने बुधवार शाम 8 बजे की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट के लिए टिकट बुक करवाया था। गायकवाड़ के विवादों में आने के बाद यह तीसरा मौका है जब एयर इंडिया ने उनका टिकट कैंसिल किया है। अपने कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आने के बाद एयर इंडिया ने गायकवाड़ पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस मामले को लेकर शिवसेना के सांसदों, लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय उड्डयन मंत्री के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि गायकवाड़ पर लगाई पाबंदी इस हफ्ते खत्म की जा सकती है। हालांकि कुछ शिवसेना नेताओं ने गायकवाड़ की हरकत की आलोचना की थी, लेकिन सोमवार को शिवसेना सांसद में खुलकर उनके बचाव में आ गई थी। पार्टी के सांसदों का कहना था कि मीडिया इस मामले की एकतरफा कवरेज कर रही है और गायकवाड़ की दलील नहीं सुनी जा रही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अटकलें लगाने के बीच शिवसेना भी इस पद पर अपनी इच्छा जाहिर की है। शिवसेना ने देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का नाम आगे किया है। शिवसेना ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपति पद के लिए अच्छी पसंद रहेंगे। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा, यह देश में शीर्षतम पद है, बेदाग छवि वाले किसी नेता को इस पद पर आसीन होना चाहिए। हमने सुना है कि राष्ट्रपति पद के लिए भागवत के नाम पर विचार किया जा रहा है। लगभग 4 लाख कैदियों को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने देश भर के जेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जेल अधिकारियों को जेल में आने वाले आगंतुकों की पहचान के लिए आधार का उपयोग करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव दिलीप कुमार ने हाल ही में राज्य सरकारों और जेल के महानिदेशकों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है, पूरे देश में 109 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं, जो लगभग 99% वयस्क जनसंख्या को कवर करता है। ऐसे में यह महसूस किया गया है कि जेल कैदियों का भी आधार कार्ड होना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि जैसे इंटरव्यू, पैरोल, मुफ्त कानूनी सहायता, जेल में लौटने, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा सहित कई सुविधाओं के लिए कैदियों का आधार कार्ड से जोड़ा जाए। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल विभागों से कैदियों से मिलने वाले के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी है। धर्मशाला में खेले गए 4थे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में 4 विकेट और 63 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और पूरी सीरीज में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत को जीत दिलाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड से नवाजा गया। विराट कोहली के चोटिल हो जाने के कारण वे से मैच से बाहर रहे और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभालते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। नंबर इसी के साथ भारत आईसीसी की
डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 तक नंबर एक टेस्ट टीम के स्थान पर काबिज रही और भारतीय टीम को टेस्ट गदा भी सौंपी गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरके न्यूज़। नमस्कार।